अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे नहीं आ रहा वो नहीं दिख रहा। हमारी समय जी आ जाओ सकाई जी ओम सकाई जी पटेल का भाव यार ओम भक्ति लालवाल चल की दिव्य मूर्ति भजन गायक और देश परिवार तालियों की गगराहट। बैंड वाले को बैंड बजाओ भैया बैंड वाले से क्या सब लोग खड़े हो यार आप सबको भी छूट नहीं है बस फोटो का बोल दो फोटो खिंचाने का के सामने दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें जरा गुप्ता दो रुपए जिन्होंने नहीं दिए कभी भी ये इतने दानदाता बैठे ना बैंड की धुन सुनाओ जरा कलाकार को जरा अंदर पहुंचा दो जरा बहुत अच्छा व्यंजन बनाया है आपको बहुत आनंद आएगा खाने में। सोने चांदी के उद्योगपति हैं और ये डेयरी के मेरे को बताऊंगा डेयरी वाले जितने हैं ना आई लाल झूलेलाल वाह जितने लोग इनके लिए तालियां बजाओ जोर से। चामुंडा सेवा समिति देवास द्वारा रजक समाज देवास द्वारा हम सभी आप सभी पधारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत हार्दिक मास्टर ओ मास्टर जरा बढ़िया बैंड की धूम सुनाओ जरा कलाकारों को जरा अंदर पहुंचा दो जरा बहुत अच्छा व्यंजन बनाया है आपको बहुत आनंद आएगा खाने में। पूर्व से ही महाराज जी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था वर्तमान में भी कर रहा है आगे भी करता रहेगा और हम चाहते हैं राजमाता के बाद आप इस शहर की मातोश्री कहलाएं। जय भारत माता। एक माला ऐसी टॉन माला बनाई है हमने अभी एक ही माला है ये चलिए मैं इस माला को हटा लेती हूं। राजमाता जी द्वारा मिल गया है हमारी कॉलोनी में मंदिर निर्माण हो रहा था कलाकारों का द्वारका जी का भी स्वागत करना इतनी का गलती है यार अभी रुको दो राजे को हार पकड़ना पड़ रहा है इतने सारे। हाँ चलो चलो सामने को सामने को सोलंकी जी मैं आपका आभारी। अरे कहाँ द्वारका मंत्री भैया हेलो सामने सामने देखिए कहा ना इक्कावन माला है पूरे देवास का फूल खत्म कर दिया हमने आज थोड़ा थोड़ा दूर हटो भैया थोड़ा दूर भैया थोड़ा पीछे सरकोगे उतना अच्छा फोटो आएगा द्वारका मंत्री को भी आ जाने दो चलो दूध वाले हो गए ना। अरे कहाँ द्वारका मंत्री भैया क्या हेलो 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 चलो सामने देखो इधर सामने 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 मैं बहुत आभारी हूँ सभी संतों से निवेदन है सब लोग संत सभी आ जाए संत के बाकी सब लोग सामने से हट जाए शिंदे साहब छोड़ दो आप शिंदे साहब छोड़ दीजिए पीछे पीछे पकड़ लो बाकी लोग।
संतों का आने दो, उन संतों का हाथ लगाने दो, संतों सभी संत आ जाए। अयोध्या 5 वर्ष में क्या कर चुकी हैं? धन्यवाद। और लाडली बहना की बात करने का बोल रहे हैं डिलीवरी के लिए। अब मेरी बहू बेटियां बाहर नहीं जाएंगी, या महिलाओं को कोई रोग होता है भगवान न करे तो उनका इलाज अब देवास में बेस्ट डॉक्टरों के साथ उत्कृष्ट सुविधा के साथ उपलब्ध होगा। उसी तरह आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग नजर डालें पूरे विकास पे, सड़कें, बाईपास, एबी रोड, फ्लाईओवर्स, नया कलेक्ट्रेट, नया नगर निगम भवन, नया एसपी ऑफिस, नया तहसील भवन, नया बस स्टैंड जो बाईपास पे बनाकर दे रहे हैं हम, अभी बन रहा है, साल डेढ़ साल में वो भी बन जाएगा। उज्जैन चौराहे से नागुकेड़ी चौराहे तक नया रास्ता बनाना प्रस्तावित है 111 करोड़ की लागत से, वो भी बहुत जल्द बनेगा। रसूलपुर पे ओवर ब्रिज बनाना है, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। और एक खास चीज जो आने वाले साल में मैं करना चाहती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो आप लोग कमल के फूल के बटन को दबा के मुझे आशीर्वाद दे, मुझे विजयी बनाए, तो पहला संकल्प मेरा होगा कि महाकाल लोक जिस प्रकार उज्जैन में बना है वैसा माँ चामुंडा माँ तुलजा भवानी के चरणों में हम एक देवी लोक बनाकर समर्पित करें। हमारे सब दर्शनार्थी और धर्मप्रिय जनता के लिए एक देवी लोक हो, जहाँ आस्था का जो आस्था का केंद्र हो, दोनों माताओं के लिए समर्पित ऐसा एक सुंदर सा छोटा हो पर सुंदर सा देवी लोक बनाकर देंगे। आने वाले समय में बहुत विकास करना है, बहुत काम और करना है देवास के लिए, पर तभी होगा जब आप 17 तारीख को आप निकलेंगे, आपके घर से आपके परिवार वाले निकलेंगे और आपके इष्ट मित्र पड़ोसी सभी को समाज जनों को आप निकाले, क्योंकि आपका इकलौता वोट महत्वपूर्ण है पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण पूरे समाज का वोट, पूरे परिवार का वोट है। तो जब सब वोट एक साथ पड़ेंगे तो जीत का अंतर बनेगा और आप लोगों के देवास को एक सुनहरा देवास बनाने के लिए मैं मेहनत कर पाऊंगी। आप सबको इस स्वागत के लिए, इस सम्मान के लिए और इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज रजक समाज का आशीर्वाद समारोह था, उनके समाज का, उसमें मैं आई थी, सभी से वोट की अपील की और सभी ने स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, सभी का आशीर्वाद पाकर मैं अभी धन्यवाद। दादा बताइए, आज जो है आपने यहाँ पर किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया गया था? चामुंडा सेवा समिति के द्वारा शारदीय नवरात्रि के महापर्व पर जो लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन की जो व्यवस्था हुई थी उसके लिए हमने आज यहाँ संत महात्माओं का, ब्राह्मण देवताओं का, दानदाताओं का, समाज के स्वजाति बंधुओं का आभार माना है। साथ ही देवास की लाडली विधायिका का जी हमने चामुंडा सेवा समिति की ओर से उनका बहुमान किया है, उनका स्वागत किया है। यहाँ पर इसके अलावा संतों का भी स्वागत किया गया था आपने? यहाँ पूरे अयोध्या हैं, ऋषिकेश हैं, मथुरा, वृंदावन, बहुत दूर दूर से संत आए थे और बहुत खुशी की बात है कि वो इस पुण्य में कार्यक्रम में हम सबके बीच में हमारे कुशल अध्यक्ष राजेश जी, गोस्वामी जी, हमारे सभी डेयरी के व्यापारी, हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनें, हमारे संत महात्माओं के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। दादा ये बताइए, आपने टेकरी पर 9 दिन ही जनसेवा करी है, सेवा दी है, कितने वर्षों से अपन करते आ रहे हैं ये व्यवस्था? हम 42 वर्षों से करते आ रहे हैं और 250 से ऊपर लगभग हमारे दानदाता हैं और जितनी दानदाताओं की तारीफ करें, हमें 19,000 लीटर दूध डेयरियों के सहयोग से प्राप्त हुआ। डेयरी के काफ़ी व्यापारी हमारे बीच में हैं और हज़ार को किसी ने 1,000 दिया, किसी ने 500 दिया है और 24 घंटे अनविरत हमारा निःशुल्क भंडारा जो कि पूरे मध्य प्रदेश में देखने लायक है।
इतना विशाल भंडारा मैंने भी मध्य प्रदेश में 24 घंटे वाला नहीं देखा। भंडारे तो कई देखे हैं लेकिन 24 घंटे और वो भी पूरा जग जाहिर है मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा जो है आपके पास आपके साथ काफ़ी पदाधिकारी और सदस्यों ने भी रात भर दिन भर सेवाएं दी। निश्चित कितने सदस्य हैं आप? हमारे 350 सदस्य रहते हैं, कम से कम उसमें से 150 हमारी बहनें थी, 150 हमारे भाई लोग थे और कई संत महात्मा भी अनविरत अपनी सेवा में लगे रहे हमारे साथ। सभी समाज को हमने आमंत्रित किया था, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे रजक समाज हो, राजपूत समाज हो या प्रेस क्लब हो, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा। विशेष तौर पे हमें माननीय जिलाधीश महोदय गुप्ता जी का, पुलिस अधीक्षक महोदय, कमिश्नर साहब का इसलिए आभारी हूँ कि पूरी टीम नहीं थी और 20 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराना एक कोई मामूली बात नहीं है नया प्रशासन के बावजूद, लेकिन पूरी टीम हमारी कंधे से कंधा मिला के कार्य करती रही। मैं उन सबके प्रति बहुत आभारी। ठीक है।